हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखोगे टॉप 5 चीपेस्ट एंड अफोर्डेबल स्कूटर्स इन इंडिया। नंबर 1, होंडा डियो। सबसे पहले जानते हैं इंजन के बारे में। तो होंडा डियो में हमें BS6 कंप्लायंट का फ्यूल इंजेक्टेड 109.51 सीसी एयर कूल इंजन देखने मिल जाता है, जो कि 7.76 पीएस का पावर 8000 आरपीएम पर और 9 Nm का टॉर्क 4750 आरपीएम पर जनरेट करेगा। होंडा डियो के फीचर्स की बात करें तो इस स्कूटर में हमें फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर, LED DRLs, LED हेडलैम्प्स, एक्सटर्नल फ्यूल लीड जैसे कई और फीचर्स देखने मिल जाते हैं। नंबर 2 पर है TVS Jupiter। TVS Jupiter 109.7 cc सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन के साथ आती है। ये इंजन 7.4 PS का पावर और 8.4 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इस इंजन में हमें 0.51 PS लेस देखने मिलता है BS4 वेरिएंट के मुकाबले। सस्पेंशन की बात करें तो जुपिटर में हमें फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और रियर में 3 स्टेप एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन देखने मिल जाते हैं। नंबर 3, TVS स्कूटी जेस्ट। इंजन की बात करें तो TVS स्कूटी जेस्ट में हमें 110 cc एयर कूल्ड इंजन देखने मिलता है, जो कि इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्टेड टेक्नोलॉजी के साथ आता है। ये इंजन 8.8 Nm का टॉर्क और 7.81 PS का पावर जनरेट करता है, जो कि TVS जुपिटर के मुकाबले 0.34 PS का पावर और 0.40 Nm ज़्यादा है। फीचर्स की बात करें तो TVS जेस्ट में हमें LED DRLs, LED टेल लैंप्स, अंडर सीट चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स देखने मिल जाते हैं। नंबर 4, हीरो प्लेजर प्लस। हीरो प्लेजर प्लस 110 cc इंजन के साथ आती है, जो कि 8 PS का पावर और 8.7 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। सस्पेंशन और ब्रेकिंग की बात करें तो इस स्कूटर में हमें सस्पेंशन फ्रंट में बॉटन लिंक और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन देखने मिल जाते हैं और 130 mm के ड्रम ब्रेक्स फ्रंट में और रियर में मिल जाते हैं। नंबर 5, TVS स्कूटी पेप प्लस। TVS स्कूटी पेप प्लस 87.8 cc फ्यूल इंजेक्टेड इंजन के साथ आती है। ये इंजन 5.43 PS का पावर, 6500 RPM पर और 6.5 Nm का टॉर्क 3500 RPM पर जनरेट करती है। फीचर्स की बात करें तो इस स्कूटर में हमें साइड स्टैंड अलार्म, USB चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स देखने मिल जाते हैं।